कितने लोगों के दल आप लोग हैं, व्यक्ति हैं जो पाइप के अंदर जाएंगे और मैनुअल ड्रिलिंग के काम को शुरू? हमारे पास 6 आदमी की टीम है। ठीक है, जो इसको हेड आप कर रहे हैं? हाँ जी। किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का कम मतलब थोड़ा प्रक्रिया बताइए, जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे, मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा, बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। हाँ जी, कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ ये क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मैं मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और डीआरडीओ ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। उसके बाद जो पाइप, जो सेगमेंट बन चुका था 47 मीटर का, उसके अंदर से निकालना था हमें ये टूटा हुआ ऑगर जो था, जो ब्रोकन ऑगर था, वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पीड हमें पहले, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 मीटर पर आवर मिल रही थी, वो स्पीड शायद आपको ना मिले, मगर तभी भी ये फेल सेफ तरीका है। ऑलरेडी 47 मीटर की हमें कामयाबी मिल गई है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें और 15 मीटर जो बाकी है उसको शायद हम काफी कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा, और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। वहां पर राजी खुशी हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन गेटिंग देयर सस्टेनेंस, फूड, मेडिसिन, अल्टरनेटिव लाइन भी लग गई है, एडिशनल लाइन लग गई है अंदर, बात हो रही है, और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब गए थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह साहब भी वहां पर मौजूद हैं। आज वो अंदर टनल में भी थे, ऊपर की साइट, जिसके बारे में मैं तफसील में बताऊंगा, उस साइट पर भी ऊपर वो गए थे। मेडिकल एक्सपर्ट, साइको सोशल एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं उस जगह पर और अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। सबसे महत्व की चीज, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सबकी सेफ्टी के लिए, जितने अंदर हैं 41 हमारे वर्कर्स उनके लिए, और बाकी जितनी वर्कफोर्स बाहर है मुख्तलिफ एजेंसीज की, उनके लिए पूरी सिक्योरिटी जो है वो अपनाई जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, इक्विपमेंट ज्यादा आ रहा है, नफरी बढ़ रही है, तो कभी कभी चांस हो सकता है कि कुछ गलती हो, कोई किसी तरह से नुकसान जो है वो ना पहुंचे किसी भी हमारे स्टाफ पे। 6 प्लान काम कर रहे हैं,
पहले 5 बताया था, उस वक्त भी छठा प्लान तो मौजूद था, वो छठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ है, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं। और एक बड़े सिंक्रनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी 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 शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। ऑपरेशंस जो है जहां पर चल रहे थे सबसे ज्यादा, वहां रोके नहीं गए हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं, रिपेयर के मुख्तलिफ चीजों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है। और इससे पहले कि मैं तफसील से हर ऑप्शन के बारे में बताऊं कि क्या हो रहा है, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि जो हमारे 41 भाई हैं अंदर, उनके लिए आखिर में सब कुछ तैयार, जो सब कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।